रुको जरा, सबर करो। हाँ? म्यूजिक। मैडम, आपको फोटो एडिटिंग की नहीं, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। शॉपकीपर, मुझे ना अरे मैडम, आपको एडिटिंग की क्या जरूरत? आप तो हुस्न परी जाने जहां, सबसे हसी, सबसे जवान, सौंदर्य साबुन, सुंदर। ए, इससे पहले मैं सलमान बनूं मेरी फोटो एडिटिंग कर क्या? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। एक कांटा लगा, ज्यादा घमंड है तो आजा, दो हाथ कर ले मेकअप का। अब मीट मुझसे मेकअप का मुकाबला करेगी। चलो फिर, चैलेंज एक्सेप्टेड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देख रही हो, मैड बोलती है हमको, अब इसको ऐसा मेकअप करके दिखाएगी ना, तब तक आप वीडियो को लाइक करो क्या, और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आपको तो पता है ना, नया वीडियो मंडे को 1 बजे। इसे तो मैं अभी बता दूँ। मैडम आपकी फोटो ये ले, फिर तेरे पैसे, और आजा मेकअप करते हैं। चल रे, कर स्टार्ट मेकअप। पहले अपना ये एंटीना तो हटा, जिसके बिना तेरा दिमाग नहीं चलता। निकल। ए, मैंने भी टिकटॉक देखा, ये देख टिकटॉक। कौन बोला था तेरे को यहाँ पे हाथ रखने? तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया आईब्रो को शेप देने से, ताकि मेरा आई मेकअप एकदम सुंदर दिखे। और मैं ये पेंसिल वाले से बना रही हूँ अपनी आईब्रो, 10 रुपए का आता है और एकदम मस्त आईब्रो बनाता है। मेरे को पेंसिल से आईब्रो बना के ऐसा रियलाइज हो रहा है, जैसे बचपन में हम लिखते थे तो घिस 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 की आवाज आती थी ना, वो वाली। हाँ? एक बार तेरा वाला यूज करके देखूं क्या मैं? कोई जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। मैं बहुत ही अच्छा मेकअप करके दिखाएगी, देखना तू भी देखियो। मेरा तो हो गया ही, देखो जरा रिच गर्ल को लगी हुई है। मेरा भी डन है। अब मैंने थोड़ा लाइट शेड का कंसीलर लगा लिया है, ताकि मेरा आई मेकअप पॉप होके दिखे। और मेरे पास तो भाई रिच मैम साहब की तरह कुछ कंसीलर वंसीलर है नहीं, तो मैं अपना फाउंडेशन ही लगा लेती हूँ आँखों पे। Where are my brushes? मैं हाथ से नहीं लगाती कुछ भी। ओह, ये जो घर के बने काजल होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा लगता है आँख में। तेरे भी लगता है? हाँ? क्या लगता है? अरे आँखों में सब चिंचनाहट सी नहीं होती? मैं तो सिर्फ पूजा के ब्रश, ठीक है। और मैं घर का बना काजल लगाती ताकि मुझे नजर ना लगे। अब वही सेम काजल अपनी टाइट लाइन पे भी लगाना है, और उसी काजल से लाइनर भी लगा लिया। कितना सुंदर कलर आया ना इसका, एकदम पीच, एकदम परफेक्ट। मुझे तो बना अच्छा लग रहा है। बस खत्म, इतना ही आता था मेकअप। शट अप, एंड में देखना जरा, गजनी एक हीरो बनती है कि सॉरी गजनी सजनी। बस गजनी बनेगी सजनी। फिर मैंने एक लाइटर शेड का आई शेडो लेकर पूरी लिड एरिया पे ऐसे प्लेस कर दिया है। और मैंने जो काजल से लाइनर लगाया था ना, उसी को ऊपर फैलाते जाना है बिल्कुल ऐसे। अगर आपके पास ऐसा आई शेडो नहीं है ना, तो आप कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो। फिर मैंने अपने शेड का कंसीलर लेके डार्क सर्कल्स को हाइड कर दिया है। अब मैंने तो डार्क सर्कल है नहीं, ये काजल नीचे आ गया था, तो मेरे को फाउंडेशन ही लगाना पड़ा। करे जल्दी क्यों नहीं करता है तू? I'm busy right now. मॉइस्चराइजर देना, मैं अपनी स्किन प्रेप कर लूँ मॉइस्चराइजर से। मेरे को अपने आप को बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस, अगर आपके पास प्राइमर नहीं है, तो आप मॉइस्चराइजर से भी प्राइम कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इतना महंगा 1000 रुपए का प्राइमर खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं होता जरूरी। मैंने लिया 2 ड्रॉप ऑफ फाउंडेशन, और उसमें मिलाया है ऑयल।
ये बकवास करती रहेगी, मैंने स्टार्ट कर दिया। इससे जो है आप अगर फाउंडेशन लगाते हो आपकी स्किन ड्राई है तो फाउंडेशन से फटेगा नहीं। मैं कहती कि ऐसे मुंह वालों को ऐसे खुले में घूमने की आजादी नहीं होनी चाहिए, लोग अपना पैर वैर पोंछ के चले जाए तो क्या होगा। Come on, shut up. पर मेरे को अपना मेकअप ऐसे अभी से अच्छा लग रहा है, पता नहीं फाइनल में मैं क्या करूंगी। मेरी स्किन ऑयली है तो मैंने यहाँ पे लूज पाउडर से अपने अंडर आई को बेक कर लिया है ताकि क्रीज ना पड़े। अब दीदी हमने तो सुना नहीं है लूज पाउडर, तो हमने अपना 10 रुपए वाला पाउडर लगा लिया। अरे दीदी मैं तो भूल ही गई, बगल वाली का पोचा लगा कर आना है, मेकअप वेकअप तो होता रहता है ना। हेलो कौन? मैम मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपके फोन पे एक OTP आया होगा, वो प्लीज शेयर करना। मैं OTP नहीं बताती, OOTD बताती हूँ, ले लो ना OOTD। मैडम OTP वन टाइम पासवर्ड ही चाहिए। मैं तो सुबह से देने तैयार बैठी हूँ अपने फैंस को। क्या मैडम? अरे स्वाइप अप स्टोरीज फॉर इंस्टाग्राम, फॉलो जरूर करना। भाग यहाँ से। उफ़ देखा लोग प्यार में पागल हो जाते हैं मेरे। हाँ तो कहाँ थे हम? गजनी एकदम मस्त जमीन चमका के आई है मैं, अभी देखो अपना मुंह कैसे चमकाती है, आधा चमका दिया थोड़ा और बाकी है। अब अपने गालों को और चिजल्ड दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कंटूर कर लिया है। अब हमारी गजनी का मोटापा इतना फूट रहा है ना, तो उसने कंटूर चुरा के हमसे लगा लिया, देख ही लो खुद ही। अब रिच मैडम हूँ भैया, गालों पे लाली ना होना तो दो लड़के देखते नहीं है तो मजा नहीं आता। देखो दीदी हमारे पास तो नहीं था ब्लश, तो हमने तो लिपस्टिक से ही लगा लिया। मेरे पास ये सस्ता हाइलाइटर में निकला है तो यूज करना चाहते तो कर लो। जी नहीं, मेरे पास आई शेडो पैलेट है, उसमें बहुत सारे ऐसे चमकीले वाले आई शेडो है, वो लगाऊंगी मैं। बढ़िया रख लिया खुद अपना। अब आंखों को स्मोकी दिखाने के लिए मैंने ब्राउन आई शेडो लेकर लोअर लैश लाइन पे स्मज आउट कर दिया है। मैंने तो वही अपना देसी काजल भी आंखों के नीचे लगा डाला और ब्राउन आई शेडो भी लगा डाला। काजल के बाद अब बारी आती है लाइनर की, और लाइनर ना विंग लगाना बहुत सुंदर लगेगा। अब ये रिच मैम सब लगा रही है लाइनर तो हमने सोचा हम काहे पीछे रहें, हमने भी लगा डाला। वैसे एक काजल के देखो कितने फायदे हैं। मैं बता रही थी मेरे से तो इन्फ्लुएंस होगी ही ना। हाँ दीदी इतना हम आपके साथ रहे इतना तो सीखेंगे ही ना। मैं तो यहाँ पे लैशेस लगा रही हूँ, सुंदर पलके तो तभी लगेंगी ना जब लैशेस लगाओगे। अब मैं और मेरी दीदी दोनों लाली लगाएंगी। मेरा मेकअप 11,000 का है, पर देखो 200 का मेकअप भी कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी इस ट्रिक से ऐसा लुक अचीव कर सकते हो। आकार है, सरप्राइज हो गए ना, देखो बन गई ना मैं गजनी से सजनी, वो भी बिल्कुल सस्ते प्रोडक्ट में। आप बोलते क्यों नहीं आप? ये सजनी बनी हो ना बनी हो, पर मैं तो बहुत हॉट लग रही हूँ। देखो हॉट कौन लग रहा है कौन नहीं वो तो आप कमेंट करके बताओगे, वीडियो को लाइक करोगे और शेयर भी करोगे क्या, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो आप क्या बोलने का आगे वीडियो में मिलेंगे।